प्रयागराज में हुए उमेश पाल हत्याकांड के आरोपियों पर पुलिस की कार्रवाई का सिलसिला जारी है। उमेश पाल हत्याकांड के आरोपी बम्बाज डू मुस्लिम को मंगलवार को भगोड़ा घोषित कर दिया गया। पुलिस ने शिवकुटी के लाला की सरैया मोहल्ले में उसके पैतृक निवास पर कुर्की की नोटिस चस्पा की। उमेश पाल हत्याकांड की आरोपी माफिया अतीक अहमद की बेगम लेडी डॉन शाइस्ता परवीन के घर पर सोमवार को नोटिस चस्पा किया गया था। विशेष न्यायाधीश SC/ST के आदेश पर धूमनगंज पुलिस ने डुगडुगी बजाकर उद्घोषणा की कि उमेश पाल हत्याकांड में 5 लाख रुपए के इनामी बम्बाज डू मुस्लिम को भगोड़ा घोषित कर दिया गया है। अगर नियत समय तक वो कोर्ट में सरेंडर नहीं करता है तो धारा 83 के तहत उसके घर कुर्की की कार्रवाई होगी। धूमनगंज इंस्पेक्टर राजेश मौर्य ने ये भी माइक से उद्घोषणा की, उसे पनाह और संरक्षण देने वालों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। धूमनगंज पुलिस ने शिवकुटी पुलिस की टीम के साथ लाला की सरैया मोहल्ले में जाकर बम्बाज गुड्डू मुस्लिम के घर पर नोटिस चस्पा किया। इससे पहले सोमवार को अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन को भी भगोड़ा घोषित किया गया था। गुड्डू मुस्लिम के बाद माफिया अशरफ की पत्नी जैनब फातिमा, बहन आयशा और शूटर अरमान मलिक तथा साबिर के घर पर भी कोर्ट का नोटिस चस्पा किया जाएगा। साथ ही मेरठ में आयशा के घर पर पुलिस टीम जाएगी। बता दें कि 24 फरवरी को उमेश पाल हत्याकांड के दौरान बम्बाज गुड्डू मुस्लिम थैले से बम निकालकर फेंक रहा था। गुड्डू मुस्लिम मोटरसाइकिल पर शूटर अरमान बिहारी के साथ घटनास्थल से भागा था, तब से फरारी काट रहा है। गुड्डू मुस्लिम 5 लाख का इनामी है। शाइस्ता परवीन शूटर गुड्डू मुस्लिम के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी है। शाइस्ता 50,000 रुपए की इनामी है और गुड्डू मुस्लिम पर 5 लाख रुपए का इनाम घोषित है। दोनों 24 फरवरी 2023 को उमेश पाल व उसके दो गनर की हत्या के बाद से फरार हैं। पुलिस और खुफिया एजेंसियां उन्हें तलाशने में लगी हैं। दोनों का अभी तक सुराग नहीं लग सका है। पुलिस ने कोर्ट में पेश नहीं होने पर धारा 82 के तहत कार्रवाई की है। किया जा रहा है।